देश इस वक्त कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। सभी सरकारें इलाज की बेहतरीन व्यवस्था की बातें कह रही हैं, लेकिन बिहार के बक्सर जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो पोल खोलने वाली है। पहले इन तस्वीरों को देखिए और अब इस बोर्ड पर नजर डालिए। बक्सर जिले के दुलपुर सिमरी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये अस्पताल बिहार सरकार का है, लेकिन यह हॉस्पिटल कम भैंसों का तबेला ज्यादा दिखता है। ये अस्पताल इंसानों के इलाज के लिए बना है, लेकिन सालों से यहाँ जानवरों का जमावड़ा लगा है। जहाँ डॉक्टर नर्स को बैठना था, वहाँ भैंसे बंधी है। डॉक्टर नर्स के बैठने की जगह पर भैंसों को बांध कर खिलाया जाता है। 60 वर्ष हो गया हमारा, आज तक के हॉस्पिटल को कम से कम 10 वर्ष चला, उसका बाद यहाँ कोई माई बाप। ये पीछे भैंस इस पे बांधल पड़ी सब सर, हम ही बांधते। हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? जब कोई है नहीं तो वही में बांध देते हैं। पूरा खंडहर हो गई भाई। हाँ, सब खंडहर हो गई सर, देख लीजिए। आ, कोई पूछे वाला नहीं, कोई पूछे वाला नहीं, इसका माई बाप कोई नहीं, कोई माँ बाप। कितना साल से ऐसा स्थिति बाटे? अरे सर, एक समय था कि राधा रावण जो डॉक्टर थे, उसी टाइम में इसी में ऑपरेशन हुआ था। जो विश्वनाथ सिंह हमारा गांव का फार्मासिस्ट के नेता है, वही आकर के यहाँ सब राधा रावण डॉक्टर को लिया है। और खंडहर में बदल तब से सर यहाँ। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ के सांसद देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं, बक्सर के प्रभारी मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, लेकिन 10,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव के लोग आज भी इस अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। कभी यहां 13 स्टाफ काम करते थे, लेकिन अब यहां 2 कर्मचारी हैं, वो भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसे में अस्पताल सिर्फ नाम के लिए है, किसी काम के लिए नहीं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।